हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्ट अप मिष्टू। और मैं हूँ मिष्टू। तो आज मैं बना रही हूँ एग राफ्ट फ्राइड राइस। इसको आप पर्दा फ्राइड राइस भी बोल सकते हो। फ्राइड राइस तो घर में बनता ही है, लेकिन अगर आप उसको इस टेक्निक से बनाओगे तो वो बहुत यूनिक होगा और दिखने में भी बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए दिखाती हूँ कि इसको मैं बनाती कैसे हूँ। एग राफ्ट फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप राइस, यहाँ पे है 1 गाजर, 1 ऑनियन, यहाँ पे 1/2 टीस्पून जिंजर और 1/2 टीस्पून गार्लिक को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। यहाँ पे है 100 ग्राम चिकन, 100 ग्राम पनीर और मसाले में मैंने लिया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। ये है सोया सॉस और 2 अंडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 नींबू। एक टीस्पून जिंजर, 1/2 टीस्पून गार्लिक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स्ड करके 15 मिनट के लिए रख दूंगी और फिर इसको मैं फ्राई करूंगी। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डाल दूंगी चिकन। अब मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून गार्लिक, जिसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। और अब मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून जिंजर। अब मैं बाकी वेजेस को इसमें फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक दूंगी।
करूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून सोया सॉस और 1/2 टीस्पून शक्कर। फ्राइड राइस रेडी हो चुका है, इसको मैं एक बोल में निकाल लूंगी। यहाँ पे मैंने एक एग लिया है, इसका मैं ऑमलेट बनाऊंगी। इसमें डालूंगी 1 चुटकी नमक, 1/2 कढ़ाई गरम हो चुका है, अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑयल। मैंने यहाँ पे एक स्टील का बोल लिया है, आप कांच, फाइबर, प्लास्टिक कोई भी बोल ले सकते हो। तो आप देख सकते हो एग रैप्ड फ्राइड राइस एकदम रेडी है। अब चलिए मैं इसको काट के दिखाती हूँ। क्या है ना, ये बहुत आसान। इसको घर में एक बार जरूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।